हेलो गाइस, मैं हूँ पायल और आपका स्वागत है मेरे चैनल मसाला जायका में। सब्सक्राइब करें मसाला जायका को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बनाएंगे घर पे बाजार जैसी क्रिस्पी पानी पूरी की रेसिपी। तो फिर चलिए पानी पूरी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम पूरी का आटा लगाएंगे। तो एक बोल में हम डाल देंगे 1 कप आटा। आप यहाँ पर मैदा भी डाल सकते हैं। और डालेंगे 1 कप सूजी, थोड़ा सा नमक और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को अभी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर सूजी डाला है और सूजी बहुत पानी पीता है, इसलिए आप इस पे थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डालें और सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लें। तो डो हमारा बन के रेडी है। इसको अभी हम गीले कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम पूरी का स्टफिंग बनाएंगे। अभी हमने स्टफिंग के लिए 4 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके स्मैश कर लिया है और इसमें अभी हम डालेंगे बॉईल किया हुआ थोड़ा सा चना और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, आप यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं काट के, थोड़ा सा रोस्टेड धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस। और लास्ट में कटे हुए थोड़े से धनिया पत्ते डालकर हम इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा स्टफिंग बन के रेडी है। इसको साइड में रख देते हैं। तब तक हम पानी पूरी का पानी बना लेते हैं। तो हमने एक बोल में थोड़ा सा पानी डालकर थोड़े से इमली को भीगने के लिए छोड़ दिया था और इस इमली में से हमें पल्प निकाल लेना है और इसकी गुठलियों को अभी हमें ऐसे निचोड़ कर फेंक देना है। अभी हम इस पानी में डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस और इस नींबू के छिलके को भी डाल देंगे ताकि अच्छा सा स्मेल आए। और डालेंगे थोड़ा सा कटे हुए धनिया पत्ते, 1 चम्मच रोस्टेड धनिया जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार काला नमक, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। और इसमें पानी डालकर अभी हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा पानी भी बन के रेडी है। तो चलिए अभी हम पूरियों को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूजी पानी पीकर डो हमारा थोड़ा सा सख्त हो चुका है। इसे अभी हम और 5 से 7 मिनट के लिए मसल कर चिकना कर लेते हैं और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके अभी हम इसको बेल लेंगे। तो डो को हमने थोड़ा सा चपटा कर लिया है और इसे अभी हम बेलन की मदद से पतला करके बेल लेंगे। आपको सिर्फ डो को पतला करके बेलना है, अगर ये गोल नहीं भी बनता है तो भी चलेगा। तो इसे बेलने के बाद अभी हम कुकी कटर से या फिर ऐसे स्टील के ग्लास से या फिर कोई भी राउंड शेप के चीज से इसे कट कर लेना है। और इसे कट करने के बाद अभी हम एक्स्ट्रा पार्ट्स को हटा लेंगे और इनको एक साथ जमा करके फिर से हम बेल कर इनमें से भी पूरियां बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इनको साइड में रख देते हैं हम। और इन पूरियों को अभी हम निकाल कर गीले कपड़े के ऊपर बिछा देंगे और इसके ऊपर से भी अभी हम गीले कपड़े से ढक देंगे। तो ऐसे ही करके सारे पूरियों को बना लेते हैं। और यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल को डालकर अच्छी तरीके से गरम कर लिया है। तेल एकदम धुआंदार गरम होना चाहिए। इसमें पूरी को डालकर अभी हमें इसको थोड़ा सा प्रेस करना है और इसमें थोड़ा सा तेल छिड़क कर गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पे पूरी को दोनों तरफ से पका लेना है ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और बस हमारा पहला पूरी बन के रेडी है। ऐसे ही करके हम दूसरी पूरियों को भी फ्राई कर लेते हैं। अगर आप पहली बार पूरियां बना रहे हैं तो फिर ऐसे एक एक करके ही फ्राई करें और अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप 2-3 एक साथ फ्राई कर सकते हैं। तो पूरी के ऊपर ऐसे तेल छिड़कते रहे ताकि ये दोनों तरफ से इवनली पक जाए और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे इसलिए रखना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो ऐसे ही करके हम सारे पूरियों को फ्राई करेंगे और फ्राई करके इनको निकाल कर स्टफिंग भर के हम इनको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी में स्टफिंग को भर लिया है और आवाज सुन के आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी है।
पूरी की रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें और इसके पिक्चर्स हमें इंस्टाग्राम आईडी पे जरूर शेयर करें। अगर आज की इस पानी पूरी की रेसिपी को आपको पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।